नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए इंद्रायण के बीजों का तेल निकालना। दोस्तों, इंद्रायण एक लता होती है जिसके बीज जो फल होते हैं वो पहले हरे होते हैं और पकने के बाद पीले हो जाते हैं। दोस्तों, इंद्रायण को बिटर एप्पल भी कहा जाता है, यानी कड़वा सेब। इसको तुम्बा, चित्रा, एंद्री, गवाक्षी नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसके बीजों का तेल निकालना आपको बताएंगे। दोस्तों, इसका बीजों का तेल निकालने के लिए सबसे पहले इसके बीज इकट्ठा करने होते हैं। ये बरसात की ऋतु में खेतों में हो जाती है। वैसे ये बारहमासी छूप है जो कि खेतों में मिल जाता है। और इसके इस लता के 50 से 100 तुम्बे यानी इंद्रायण के फल लगते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं। उन बीजों को इकट्ठा करके आपको इसका तेल निकालना होता है। दोस्तों, ये तेल सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा बालों के विकास के लिए एक टॉनिक के रूप में काम करता है। दोस्तों, बालों की होने वाली आम समस्याओं को पूरी तरह निजात दिलाने के लिए इंद्रायण का तेल बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, इंद्रायण का तेल निकालने के लिए इस तरह का यंत्र बना होता है जिसका वीडियो हमने पिछले वीडियो में बना के दिखाया था। दोस्तों, इस यंत्र को बना के और इसके चारों तरफ अखबार या कपड़ा लगा के इसको अच्छे से पैक कर दें। और इस छोटे कूलर में हमने इंद्रायण के बीजों को डाला है जो कि उल्टा करके इसके अंदर रखना होता है। फिर इसके ऊपर हम आग जलाते हैं जिससे नीचे के पात्र में तेल निकलता है। दोस्तों, यह तेल बालों के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा ये तेल घुटनों के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये घुटनों की सूजन को दूर करके दर्द में आराम दिलाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये तेल सफ़ेद बालों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर औषधि के रूप में काम करता है। वैसे इंद्रायण का फल बहुत ही उपयोगी होता है। कब्ज, मधुमेह में इंद्रायण का फल बहुत उपयोगी है और बहुत ही कारगर औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस तेल का प्रयोग करने के लिए चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। और दोस्तों, इसको निकालने के लिए इस तरह से इस पर अग्नि जलाने के लिए इस पर लकड़ियाँ घास फूस डाल के इसको अग्नि प्रज्वलित कर दें। उसके बाद नीचे का जो जगह है उसमें पात्र रखें जिसके अंदर तेल बूंद बूंद करके टपकेगा और वो इकट्ठा कर लें। दोस्तों, इस तरह से इंद्रायण का तेल निकाला जाता है। तो चलिए, आज हम आपको इंद्रायण का तेल निकाल के दिखाते हैं और उसके होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं किस तरह से इस तेल को उपयोग करना चाहिए, वो भी हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, यह तेल हल्का काले रंग का कुछ लाल रंग लिए होता है जो कि इस नीचे के पात्र में आके गिरेगा, जो कि हम इसे नीचे पात्र रख रहे हैं। दोस्तों, ये जो हमने नीचे की जगह रखी है ये आप चाहें तो पात्र रखने के बाद बंद भी कर सकते हैं। हमने खुली इसलिए रखी है ताकि वीडियो में हम आपको अच्छे से दिखा सकें। तो दोस्तों, इस तरह से अग्नि जलने के बाद बूंद बूंद करके हमारा तेल नीचे के पात्र में आना शुरू हो जाएगा। इस अग्नि से जो बीज हैं उनके अंदर तपिश लगेगी जिससे वो बीजों के अंदर से तेल निकलने लग जाएगी। ये देखिए, नीचे से धुआं निकल रहा है, ये लगभग बीजों का तेल निकलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों इंद्रायण के बीजों का तेल निकाला जाता है। और चाहे कोई भी औषधि हो उसका तेल निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए देखिए, आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, ये बीजों का तेल हमारा निकल रहा है। तो चलिए, इसको बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। एक बार इस पात्र को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों, इस जो जगह हमने छोड़ी है इसको आप एक बार पात्र रखने के बाद ईंट या पत्थर लगा के ऊपर मिट्टी से अच्छे से बंद कर दें और उसके बाद पूरा तेल निकलने के बाद ही इसको खोलें। तो चलिए, हमारा तेल पूरी तरह तैयार हो चुका है, तेल निकल चुका है। तो इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंद्रायण का तेल हमने प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, इस तेल को उपयोग करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले सर मंडवा कर, अगर आपके बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं तो सर मंडवा कर और इस तेल की हल्की मालिश करें तो आपके जो नए बाल आएंगे वो काले बाल आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कम सफ़ेद बाल हैं तो दोस्तों कम सफ़ेद बालों के लिए इस तेल में आधा नारियल का तेल मिला के और रात्रि को सोते समय झंपी करके सोएं तो कुछ दिनों में सफ़ेद बाल काले होने लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बालों में रूसी होना, दुमे बाल होना, गंजापन होने वाली शिकायत में भी ये तेल बहुत असरकारक है और बहुत अच्छा काम करता है। घुटनों के दर्द में हल्की मालिश करने से घुटनों का सूजन दूर हो जाता है और दर्द में आराम दिलाता है। तो दोस्तों, ये तेल जानवरों में कीड़े पड़ जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। उनको अगर थोड़ा सा तेल लगा दिया जाए तो कीड़े पूरी तरह साफ हो जाते हैं। तो चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि जो बीज बचे थे उनका क्या हुआ। दोस्तों, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो पूरी तरह जल जाते हैं और जलने के बाद इसका तेल निकल जाता है। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ।
इस तरह से हमने कुछ करके लगाया था इसको। तो आप इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने जो मिट्टी और अखबार लगाया था उसकी वजह से ये बीज एकदम सही सलामत हैं। और इसके बीजों के अंदर देखो पूरे काले हो गए हैं, पूरे अच्छी तरह जल गए हैं और इसके अंदर का तेल पूरी तरह निकल गया है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।